नमस्कार मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में जो लिस्टिंग के बाद देखेंगे तो ऑलरेडी अपने हाई से लगभग लगभग 25 परसेंट करेक्ट हो चुका है जेपी मॉर्गेन और भी 25 परसेंट करेक्शन एक्सपेक्ट कर रही है और क्या रिपोर्ट रहे आगे के ट्रेंड को समझिए इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे जेपी मॉर्गेन बुलिस ऑन ई आर एन डी जोनियर इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट वाली जो कंपनी है सीज थर्टी वन परसेंट अपसाइड ऑन सेंट और ट्वेंटी थ्री परसेंट डाउन साइड ऑन टाटा टेक यानी इस समय के करेंट प्राइस से और भी मोर देन ट्वेंटी परसेंट तक के डाउन साइड एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं द ब्रोकरेज से टाटा टेक्नोलॉजी हैज़ हाई क्लाइंट कंसेंट्रेशन एंड फेसेस चैलेंजेस इन स्केलिंग नॉन एंकर क्लाइंट टाटा टेक का जो बड़ा क्लाइंट है वो जीएलआर और टाटा मोटर्स ही है इसको लेकर के एक बड़ा कंसर्न बताया जा रहा है और इसीलिए देखेंगे इट आल्सो इनिशिएट कवरेज ऑन टाटा टेक बट विद एन अंडरवेट कॉल विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 800 इंप्लाइंग अ डाउनसाइड ऑफ अराउंड 23% परसेंट और ये टाटा टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज हाई क्लाइंट कंसंट्रेशन एंड फेसेस चैलेंजेस इन स्केलिंग नॉन एंकर क्लाइंट्स इसी को लेकर के बात की जा रही है द ऑर्डर ऑफ प्री फ्रेंड्स इन ई आर एन डी कंपनी जी साइंस एल टी टी एस प्रसिस्टेंस के पी आई टी और टाटा इलेक्सी फॉलोड बाई टाटा टेक्नोलॉजी और यहाँ टाटा टेक्नोलॉजी में जो है डाउन ट्रेंड के एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं रिसेंट के हिस्टोरिकल डाटा को देखेंगे तो लोअर वॉल्यूम के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है रिसेंट के टेक्निकल ट्रेंड भी वीक रहे हैं और इस समय चार्ट को देखें ऑलरेडी यहां से देखेंगे तो 25% परसेंट करेक्ट है 24% परसेंट और भी करेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है यानी नियर अराउंड जो पूरे डाउन ट्रेंड हाई से देखेंगे तो 44% परसेंट तक का एक डाउन ट्रेंड माना जाता है और मुझे लगता है कि 40% परसेंट का डाउन ट्रेंड एक अपॉर्चुनिटी होता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए टेक्निकल ट्रेंड वीक है अगर आप लॉन्ग करते भी हैं तो जो अर्लियर सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बनेगा मिनिमम इलेवन हंड्रेड फाइव के लेवल को ब्रेकआउट करने दें तभी आप ट्वेल्व एट्टी फोर्टीन हंड्रेड जैसे टारगेट के लिए जाएंगे इस समय ट्रेंड वीक है और अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो मुझे भी लगता है कि एट ट्वेंटी टू नाइन हंड्रेड के बीच में धीरे धीरे एक्मलेट करें अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड